हेलो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आज हम यहाँ पे स्टेबल मनी की बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो स्टेबल मनी है वो आपको बता दूं, इंडिया का यहाँ पे बोल सकते हो सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप एफडी कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जनरली हम लोग क्या करते हैं एफडी के लिए, हम लोग जाते हैं बैंक्स, जो भी इसमें भी हमारा अकाउंट होता है। जैसे मेरा अगर एसबीआई में अकाउंट है तो मैं एसबीआई के बैंक्स में जाऊंगा, वहां पे एफडीज के लिए बोलूंगा। कोटक में अकाउंट है तो मैं कोटक में जाके एफडीज करवाऊंगा दोस्तों। और मुझे वो बैंक्स वाले एक फिक्स रिटर्न देंगे, जो कि काफी कम होता है आज के समय में। बट वहीं पे स्टेबल मनी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आता है जिसमें आपको 200+ एफडीज के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो एफडीज होती है वो आरबीआई सिक्योर्ड, मतलब बोल सकते हो ना कि जैसे कि हम बैंक में एफडी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि बैंक डूबेगा नहीं, डूबेगा तो हमारा पैसा सेफ रहेगा क्योंकि आरबीआई बचा लेगा उसको। बट मैं आपको जो ऑप्शंस बताऊंगा आज इस वीडियो में, यहाँ तक कि आप स्टेबल मनी में भी अगर एफडीज करते हो तो उसमें भी इंश्योर्ड करता है आपको आरबीआई 5 लाख रुपीज तक का। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बैंक्स में करते हो तो भी इतना ही है, आपको इसमें करते हो तो भी यही ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा जो हार्ड अर्न मनी है वो पूरी तरीके से सेफ है। और यहाँ पे मैं आपको इसके प्लेटफॉर्म पे भी लेके सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। और आप इसमें जो, जैसे कि हमें इसमें एफडी करनी है, मान लो हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले तो एफडी किसमें जो है इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलेगा उसके बेसिस पे। जैसे कि मुझे एक एफडी पसंद आती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे उसमें बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। स्टेबल मनी के थ्रू ये चीजें हम कर सकते हैं, हमें कोई उसमें अकाउंट ओपन करने की अलग से जरूरत नहीं होती है, तो सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट हमें छोटी सी केवाईसी करनी होती है, और बहुत सारे एफडीज के ऑप्शन में तो आपको वीडियो केवाईसी करने की जरूरत भी नहीं होती है। वो क्या है सारी चीजें, वो अभी हम आपको स्क्रीन पे लेकर चलेंगे। पहले तो हम स्टेबल मनी के ही प्लेटफॉर्म पे लेके कुछ चीजें जानेंगे, उसके बाद हम प्रोसेसेस बताएंगे कि कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करनी है अगर आपको यहाँ पे एफडी करनी है, तो वो सब हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे बताएंगे। तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हैं और आप अपनी एफडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले तो हम इसी के ऑफिशियल वेबसाइट्स में, और बात करेंगे फिर कि कैसे आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको एफडी इसमें करनी है। दोस्तों, मैंने ऐसा आपको क्यों कहा है कि स्टेबल मनी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की एप्लीकेशन है, क्योंकि दोस्तों ये आप, अगर मैं बात करता हूँ एफडी की, अगर आप एफडी कराने जाते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप में से 90% लोग, कि हमें मैक्सिमम 7% इंटरेस्ट मिल जाए, 6% इंटरेस्ट मिल जाए, 8% ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। बट दोस्तों, स्टेबल मनी एप्लीकेशन के थ्रू आप ये जो है 9.25% तक का एफडी रिटर्न पा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है उसमें, जिसमें आप एफडी कर रहे हो, ठीक है। पांच, और ये भी नहीं है कि आपको डाउट हो जाएगा फिर कि यार हम बैंक में एफडी कराते हैं तो हमारी एफडी जो है इंश्योर्ड रहती है आरबीआई के द्वारा। बट आपकी गलत फहमी है दोस्तों, ये एप्लीकेशन भी आपको 5 लाख तक का इंश्योर्ड देता है। जी हाँ दोस्तों, 24/7 सपोर्ट मिलता है, इजी विथड्रॉवल है दोस्तों, कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है, ठीक है। और 2 लाख+ हैप्पी जो है इनके कस्टमर हैं इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेबल मनी है दोस्तों। अभी यहाँ पे अगर हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं प्ले स्टोर पे। और ये जो एप्लीकेशन है इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है प्ले स्टोर में, 4.9 स्टार की रेटिंग है दोस्तों। ये मोस्ट रेटेड एप्लीकेशन है दोस्तों प्ले स्टोर की, जो आज तक मैंने देखी है, 4.9 स्टार। टोटल 5 स्टार होते हैं, बट इसमें से आप समझ सकते हो कि 4.9 स्टार का मतलब ये है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्टेबल मनी को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एफडीज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 200+ एफडीज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हो, जिसमें से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो अपने गोल के अकॉर्डिंग, कितना मतलब टाइम के लिए आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। 3 मिनट में एफडी बुकिंग आपकी हो जाती है, सेफ एंड सिक्योर है। तो यहाँ पे मैंने स्टेबल मनी को डाउनलोड यहाँ पे कर लिया हुआ है, तो ये स्टेबल मनी देख सकते हो, मार्केट प्लेस है, 9.10 रिटर्न इन्वेस्ट इन 3 मिनट्स। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, और आपको जो नंबर यूज़ करना है, आधार लिंक मोबाइल नंबर ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे इसमें एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं।
इसके बाद ये वेरीफाइड हो चुका है हमारा ये नंबर। इसके बाद फुल नेम लास्ट नेम डालना है आपको। ये प्रोसेस हालांकि मैं बाद में कर लूँगा, बट अगर आपको करनी है तो यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप पूरे यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस कैसे यहाँ पे आपको FD करनी होती है। मैं आपको फिर से यहाँ पे स्टेबल मनी की ऑफिशियल साइट्स पे ले सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, किस इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। पूरा जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप FD करना चाहते हो FD कर सकते हो स्टेबल मनी के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।